तो ये हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी कुछ बच्चों के साथ ट्रैवल करेंगे हेलीकॉप्टर से उन्हें। बच्चे उनको सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले देखना है। यहाँ ये बता रहे हैं कि बच्चों को अपनी पसंद के सब अनुभवों से पहले गुजरना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर कोई युवा आगे बढ़ना चाहता है तो यही 5 रास्ते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्मी। तो आप में से किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ, मैं तो हवाई जहाज देखता हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ना चाहता हूँ। क्योंकि आपको लगा वो दरवाजा आपके लिए बंद, अगर आपको हमने आप सबको हमने जहाज की कॉकपिट में बैठा दिया सामने, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप में से आधे लोग तो कहेंगे भैया मैं पायलट बन। पूरा वीडियो इमेजिन करने और एक्सपीरियंस करने के महत्व के बारे में है और इसको बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को बताया गया है कि किस तरह से वो अपने इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। कि जिसने एक बार हवा में उड़ान भरी वो बार बार वो करने की कोशिश करेगा। देखो ये स्टार्ट के बटन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना इंजन 1 इंजन 2। हेलो कैप्टन साहब, वी गॉट सम पैसेंजर्स फॉर यू। इसमें बैठे हो तुम कभी? यस सर, अभी बिठाया हमको। वो रडर, इसको रडर कहते हैं, इसको एलरॉन कहते हैं। यस सर, एंड ये पावर होता है जो उसको एक्सेलरेटर से जो काम करता है। हाँ चलो। कहने को तो यह एक वीडियो है जो कि उड़ने के बारे में है, पायलट बनने के बारे में है ऐसा लगेगा, परंतु ये बात ये नहीं है, बल्कि हकीकत में बात है कि इमेजिन करने और एक्सपीरियंस लेने के महत्व को बता रहा है। मैं आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि आप जो भी सोचो आप कर सकते हो। ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं बस ये 5 चीज़ें कर सकती हूँ। अगर आपने मन बना लिया आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपने पहले हेलीकॉप्टर को देखा होगा मगर आपको नहीं मालूम ये उड़ता कैसे है, मतलब गहराई में जाना चाहिए। मेरे पापा पायलट थे। तो आप फ्लाइंग स्कूल में जाइए, फिर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है, उसके बाद कमर्शियल मिलता है, उसके बाद एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट मिलता है। अब पायलट का पता है क्या होता है? जो नॉर्मल आदमी होता है जब वो दुनिया को देखता है वो 2 डायमेंशन में देखता है, जो पायलट होता है वो 3 डायमेंशन में देखता है। ये दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भी देखता है। अब आप सुनेंगे वो बातें जिससे आपको लगेगा कि राहुल गांधी का मैसेज इन बच्चों तक पहुंच गया, एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन के महत्व को वो समझ गए। क्या क्या? इमेजिन नहीं किया था ना। तो मैं चाहता हूँ कि सब हिंदुस्तान के बच्चे सब कुछ इमेजिन करें। जो गरीब भी हो उसको इमेजिन करना चाहिए, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। राजनीतिक प्रचार प्रसार अपनी जगह है, परंतु ये एक शानदार वीडियो है बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए। न्यूटन का आपने 3rd लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का 3rd लॉ क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे अगला फोर्स लगाता है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके ऊपर एक रोटर है, वो घूमता है, तो अगर वो इस साइड घूम रहा है राइट, तो हेलीकॉप्टर को इस साइड घूमना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका जवाब बताओ ना। तो ये क्या कर रहा है? ये हवा को उस साइड धकेल रहा है ना, तो हेलीकॉप्टर के पूंछ को ये इस साइड घुमा रहा है।
सर वो जो साइड वाला है, हाँ? ये ऊपर उठे हुए क्यों है? बिल्कुल ऐसे प्लेन भी तो हो सकता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब हवा लगती है ना, हाथी यहाँ से निकल के यहाँ आती है तो यहाँ ये टर्बुलेंस क्रिएट करती है, उसको काटने के लिए। हाँ सर, हाई वेलोसिटी क्रिएट, लो प्रेशर बार, लो थ्योरम। हाइट जो मैंने आपको दिखाई और स्पीड जो दिखाई वो यहाँ से आती है। इंडिया में वुमेन पायलट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। सवाल पूछने चाहिए। अब कौन पायलट बनना चाहता है? अब सब पायलट बनना चाहते हैं। Thank you so much sir. मेरी भी मेंटेलिटी ऐसी थी कि टेंथ हुई, ट्वेल्थ हुई, देन IIT करेंगे। पर अब जब सर ने बोला कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ पांच चीज़ की नहीं देखनी चाहिए, जिस चीज़ में तुम्हारी हॉबी वो करना चाहिए। ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें इमेजिन करना है और हमारी इमेजिन पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। मन तो नहीं कर रहा था कि उस हेलीकॉप्टर से वापस आऊँ, पर मुझे लग रहा था कि मैं पंछी बन के उड़ रही हूँ। भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है ये वीडियो, परंतु इसका महत्व बच्चों और उनके माँ बाप और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।